वेलकम दोस्तों, मैं अली और यहाँ पर ही आपको दिखाएंगे जो राउटर डीलिंग का है, यहाँ पर ही आपको कैसे करके कॉन्फ़िगर करना है मोबाइल से। तो दोस्तों यहाँ पर ही आपको राउटर को ऑन कर लेना और वाईफाई आपका फ़ोन को ऑन करके यहाँ कनेक्ट कर लेना। पासवर्ड आपको राउटर के पीछे मिल जाएगा दोस्तों, WPS पिन। बाद दोस्तों यहाँ पर राउटर देखिए कनेक्ट हो गया वाईफाई, जब राउटर का जो वाईफाई है तो उसके बाद आपका ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, क्रोम ब्राउज़र या कोई भी। उसके बाद यहाँ पर सर्च कीजिए सर्च बार में ये आईपी एड्रेस को 192.168.0.1, ये आईपी एड्रेस है, इसे सर्च कीजिए दोस्तों। ये देखिए एक पेज ओपन होगा जो है राउटर का पेज। तो दोस्तों आप अपना मोबाइल से और कंप्यूटर या लैपटॉप किसी से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इजीली, हम आपको मोबाइल में करके दिखा रहे दोस्तों। तो ये पेज ओपन हो गया, देखिए दोस्तों मॉडल लिखा हुआ DIR615 डी लिंक। तो दोस्तों ये राउटर का पेज, ये नया राउटर है और नया सिस्टम इसका जो इंटरफेस किया गया। तो दोस्तों आपका लैंग्वेज जो है यहाँ से चूज़ करके यस कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों डिवाइस का जो कनेक्शन मेथड है वायर और वायरलेस। तो दोस्तों ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमेशा वायर में होता है, तो वायर कनेक्शन आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर ये जो है एक्सेस पॉइंट और राउटर का ऑप्शन, तो आपको राउटर पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का टाइप आपका, अगर आईपी एड्रेस देता है जो ISP से ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो देता है, IPv4 मतलब स्टैटिक आईपी देता है, तो IPv4 में आपको क्लिक कर लेना। और अगर आपका PPOE कनेक्शन है तो आपको PPOE पे क्लिक कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको PPOE में दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए यूज़र नेम दे रहे जो कि आपका सर्विस प्रोवाइडर देता है, और यहाँ पर ही वो पासवर्ड, तो सर्विस प्रोवाइडर से आपको ले लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करना और कुछ नहीं करना है यहाँ पर सिर्फ। इसके बाद आया आपका वाईफाई सेटअप, जो वाईफाई नेटवर्क का जो नाम देना चाहते हैं यहाँ पर ही वो नाम को सेट कर दीजिए, जैसे कि हम सौरभ होम दे के सेट करें। उसके बाद यहाँ पर वाईफाई का जो पासवर्ड है, यहाँ पर वो पासवर्ड आप अपना तरीका से सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा पासवर्ड, और इसके बाद और कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है आपको, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ये भी नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों ये एडमिन पेज का जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड इसके बाद आप राउटर में नेक्स्ट टाइम जब राउटर का इंटरफेस मतलब पेज में ढूंढना चाहते हैं तो ये पासवर्ड आपको सेट कर लेना है। ये पासवर्ड लगेगा तो ही आप ढूंढ पाएंगे, वरना कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो दोस्तों ये पासवर्ड दो बार देख के कन्फर्म नेक्स्ट करके फिनिश कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको पूरा सेटअप दिखा देगा, वाईफाई कनेक्शन, PPOE मोड का जो यूज़र आईडी पासवर्ड है, और आपका लॉगिन पासवर्ड। तो तीन चीज़ आपको यहाँ दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर ही, और यहाँ पर सेटअप कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये एक बार राउटर रिस्टार्ट होगा, ये देखिए ऊपर का वाईफाई नेटवर्क मेरा अभी चल जाएगा, ये देखिए दोस्तों चला गया। तो दोस्तों अभी अप्लाई हो रहा सेटिंग, ये कंटिन्यू अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद वाईफाई देखिए, जो वाईफाई नेम से सौरभ होम से सेट किए थे हम, वो सौरभ होम से आपको मिलेगा, और वहाँ पर ही आपको क्या करना है, जो पासवर्ड आप सेट किए वो पासवर्ड से आपको कनेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम कैसे करके वहाँ कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हो गया डिवाइस का, यहाँ पर ही आपको शो करेगा, देखिए सौरभ होम वाईफाई आ गया। अब पासवर्ड जो हम सेट किए थे वो पासवर्ड देके यहाँ कनेक्ट कर रहे दोस्तों, तो वहाँ सक्सेसफुल हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हम कनेक्ट कर लिए, यहाँ पर देखिए इंटरनेट अवेलेबल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम यूट्यूब ओपन करके दिखाते हैं कि नेट ब्राउजिंग कर सकते हैं हम, सर्फिंग देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मैंने ओपन कर सकते, मेरा यूट्यूब से सब ओपन हो रहा। तो दोस्तों ऐसे करके आप इजीली सेटअप कर सकते हैं।